हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। कल हमने अपने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया था, हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था एनिमल लाइफ, सेकंड चैप्टर ऑफ द साइंस। आज हम सेकंड चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। कल के हमने सेशन में क्या क्या पढ़ा था, एक रिकैप ले लेते हैं थोड़ा सा। एक तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि मूवमेंट्स कौन से, कौन सा एनिमल किस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, कैसे वो मूव करता है, कैसे अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाता है, वो हमने कल के एक सेशन में पढ़ा था। इसके अलावा सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी थी, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, कोई भी एनिमल किस तरीके से ब्रीथ करता है, उसके पास लंग्स प्रेजेंट है, नोस्ट्रल्स प्रेजेंट है, या फिर उसके पास स्पायरिकल्स प्रेजेंट है, किस तरीके से वो ब्रीथ कर रहा है, वो हमने कल लास्ट सेशन में इतना पढ़ चुके थे। आज के सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फीडिंग हैबिटेट, कि एनिमल की फीडिंग हैबिटेट कैसा है। सेकेंडली, बॉडी कवरिंग कैसी है उनकी, उनकी जो बॉडी है वो किस तरीके से कवर्ड है, कैसे बॉडी पे कवरिंग प्रेजेंट है, अलग अलग एनिमल की बॉडी पे अलग अलग टाइप की बॉडी कवरिंग मिलती है। और इसके बाद हमारे कुछ स्पेशल फीचर्स भी हैं जो एनिमल्स में हमें देखने को मिलते हैं। ये हमारा आज का पूरा है जो हम आज स्टडी करने वाले हैं। तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने फीडिंग मैकेनिज्म से। फीडिंग हैबिटेट का क्या मतलब होता है, फीडिंग हैबिटेट का मतलब है कि कोई भी जो एनिमल है वो किस तरीके से अपना फूड ले रहा है, इन विच वे एनी एनिमल इज टेकिंग इन इट फूड, अपना जो फूड है वो किस तरीके से ले रहा है, वो हमारा किस में आता है, फीडिंग हैबिटेट में। फीडिंग हैबिटेट के बेसिस पर एनिमल्स हमारे सबसे पहले कौन सी कैटेगरी में आते हैं, वो आते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, आपने स्टार्ट बचपन से पढ़ते आए हो, हर्बीवोर्स कौन से होते हैं, हर्बीवोर्स आर द एनिमल्स दैट फीड ऑन प्लांट्स। वो एनिमल्स जो कि किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे हर्बीवोर्स कहलाते हैं। दे हैव इंसीजर्स, इंसीजर्स होते हैं हमारे फ्रंटल जो टीथ होते हैं, जो फ्रंट पार्ट पे हमारे जॉ में सो पहले जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इंसीजर्स होते हैं। इंसीजर्स इनके जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंसीजर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, इंसीजर्स आर शार्प, शार्प इंसीजर्स किसके होते हैं, फॉर बाइटिंग, फूड को अच्छे से बाइट करने के लिए कैसे प्रेजेंट होते हैं, शार्प इंसीजर्स प्रेजेंट होते हैं। एंड मोलर्स हमारे होते हैं, इंसीजर्स आर द फ्रंटल टीथ जो हमें सबसे फ्रंट पे प्रेजेंट होते हैं, मोलर्स आर द बैक टीथ जो यहाँ पे लास्ट में हमारे जॉ में प्रेजेंट होते हैं। मोलर कैसे होते हैं, मोलर्स आर द ब्रॉड, ब्रॉड मतलब चौड़े होते हैं, फॉर ग्राइंडिंग, अच्छे से फूड को ग्राइंड करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्रॉड मोलर्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे हर्बीवोर्स के, जैसे काउ, डियर एक्सेट्रा, रैबिट, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि क्या है, हर्बीवोर्स है, मतलब दैट आर प्लांट डिपेंडेंट। सेकेंड हमारी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, कार्निवोर्स। सेकेंड वन इज कार्निवोर्स। कार्निवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं, कार्निवोर्स आर द एनिमल्स, सिंपली वी कैन से फ्लैश ईटिंग, फ्लैश और मीट ईटिंग एनिमल्स जो होते हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं, वो हमारे होते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आर द मीट ईटिंग और फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। अब ये मीट मतलब एनिमल को एक तरह से बाइट कर रहे हैं, एनिमल बॉडी पे अगर ये अटैक कर रहे हैं तो इनके जो इंसीजर्स होते हैं, इनके इनके इंसीजर्स और कैनन्स, जैसे अगर हमारा ये जो है तो ये फ्रंट पे जो टीथ प्रेजेंट होते हैं वो इंसीजर्स होते हैं, फिर उसके बाद जो प्रेजेंट होते हैं वो कैनन्स होते हैं, और ये पीछे मोलर्स एंड प्रमोलर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कैनन्स इनके कैसे होते हैं, इनके कैनन्स पॉइंटेड होते हैं। पॉइंटेड किस लिए होते हैं, पॉइंटेड होते हैं ताकि वो जो एनिमल को ईजिली उसको बाइट कर सके, उसमें पेनिट्रेट कर सके, उसे अच्छे से प्रिक कर सके, उसलिए इनके कैनन्स पॉइंटेड होते हैं। और मोलर्स यहाँ पर भी कैसे प्रेजेंट होते हैं, ब्रॉड मोलर्स होते हैं फॉर ग्राइंडिंग, ग्राइंड करने के लिए, जैसे लायंस, टाइगर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर एनिमल्स। थर्ड कैटेगरी इज ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स में हम भी आते हैं। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, ओमनिवोर्स आर द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन बोथ, डिपेंड ऑन बोथ। बोथ का मतलब कि वो जो प्लांट पर भी डिपेंड कर रहे हैं और जो एनिमल पर भी डिपेंड कर रहे हैं, मतलब प्लांट से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको भी ले रहे हैं और एनिमल से जो प्रोडक्ट मिलता है उसको भी कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे कौन से कहलाते हैं, ओमनिवोर्स, ओमनिवोरस या फिर ओमनिवोर एनिमल कहलाते हैं। एग्जाम्पल ह्यूमन बींग, डॉग, कैट,
मैमल्स सिंपली हम जितने भी मैमल्स हैं सब किस कैटेगरी में आते हैं, हम सब किस ओमनिवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद हमारी एक कैटेगरी और आती है, एक कैटेगरी हमारी स्पेशल कैटेगरी बोल सकते हैं इसको हम सिंपली, ये हमारे स्केवेंजर्स होते हैं। स्केवेंजर्स क्या होते हैं? स्केवेंजर्स आर द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन डेड एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि किसी डेड पार्ट पे, सपोज कोई भी एक एनिमल है उसकी डेथ हो गई है, उसकी डेड बॉडी ऐसे ही पड़ी हुई है, तो उस डेड बॉडी को ईट करने वाला, उस डेड बॉडी पर डिपेंड करने वाला जो एनिमल होगा वो क्या कहलाएगा? स्केवेंजर कहलाएगा। एनिमल दैट डिपेंड ऑन डेड एनिमल्स, जो डेड एनिमल्स पर डिपेंड कर रहे हैं वो हमारे कौन से कहलाते हैं? स्केवेंजर्स कहलाते हैं। जैसे वल्चर्स, हाइनास, क्रॉ, देयर आर मेनी मोर एग्जांपल्स जहां पर हमारे एनिमल्स इस पर डिपेंड है किसी डेड पार्ट पे, डेड एनिमल पे, डेड बॉडी पर डिपेंड है। कोई भी एनिमल अगर मर गया है उसकी डेथ के बाद जो उसकी बॉडी है उसको ईट अप करने के लिए क्या होते हैं? स्केवेंजर्स है। ठीक है, अब हम दो अलग स्पेशल कैटेगरीज हमारी हैं, स्पेशल कैटेगरीज और कह सकते हैं हम, जैसे हम बर्ड्स की अगर हम बात करें, बर्ड्स में अगर हम फीडिंग मैकेनिज्म लेते हैं, फीडिंग हैबिटेट बर्ड्स में लेते हैं, तो बर्ड्स के पास क्या प्रेजेंट होती है? बीक प्रेजेंट होती है। अब ये जो बीक प्रेजेंट है ये भी हर एक एनिमल में, हर एक बर्ड में अपने अपने टाइप की होती है। जैसे अगर हम ईगल को अगर देखें, ईगल कैसी होती है? ईगल होती है जो कि छोटे छोटे एनिमल्स पर फीड करती है, जैसे रैट हो गया, इस तरह के एनिमल्स पर। तो इसकी जो हमारी बीक होती है वो बीक कुछ टाइप होती है इस तरीके से, वो आपको पिक्चर दिखाती हूँ मैं। लुक एट दिस पिक्चर, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ कॉर्नर पे एक छोटा सा बीक प्रेजेंट है, ये इस तरीके की बीक है, और यहाँ एक छोटा सा हुक प्रेजेंट, हुक टाइप। तो ईगल की जो क्या बोलते हैं बीक होती है वो कैसी होती है? हुक टाइप होती है, ताकि वो अपने जो प्रे है उसको इजीली कैच कर सके। ऐसे ही अगर हम डक देखें तो डक की कैसी होती है? फ्लैटन होती है। फ्लैटन किस लिए होती है? थोड़ी सी चपटी होती है, ब्रॉड होती है। किस लिए होती है? ताकि वो मड को इजीली स्टेन कर सके, मड में अच्छे से उसे स्कूप कर सके, नीचे से निकाल सके प्रॉपरली। ऐसे ही फिर अगर हम स्पैरो की देखें, स्पैरो की छोटी सी स्ट्रेट होती है, छोटी सी बीक होती है, स्ट्रेट होती है, ताकि वो अपने सीड को इजीली क्या कर सके? ईट कर सके, अपने सीड को इजीली इंगल्फ कर सके। लेकिन अगर हम किसकी देखें? वुडपेकर की। वुडपेकर की कैसी होती है? वुडपेकर कैसे होता है? जो कि वुड पर ईट करता है, वुड ईट करता है, तो वो उसको लगातार पेनिट्रेट करता रहता है, इस तरीके से तक करता लगातार उसको पेनिट्रेट करता है। इसीलिए इसकी जो बीक है वो कैसी होती है? वो चिजल शेप्ड होती है। चिजल शेप्ड मतलब चिजल एक हमारा एक तरह से इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है जो कि बहुत पेनिट्रेटिंग होता है, उसको ऐसे हम किसी चीज पे स्टक करें तो वो चलता चला जाता है, मतलब उसको अंदर तक पेनिट्रेट कर सकता है उसको। चिजल शेप्ड की बीक होती है किसकी? वुडपेकर की, ताकि वो अपना फूड को इजिली ईट कर सके। ऐसे ही अगर हम देखें और भी, जैसे ये तो सिर्फ बर्ड्स में अलग अलग टाइप की बीक है, बर्ड्स में बीक्स प्रेजेंट थी, तो किसी में हुक शेप प्रेजेंट है, किसी में फ्लैटन है, किसी में स्ट्रेट है, और किसी में चिजल शेप है। अब हम देखते हैं हमारे, जैसे अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें इंसेक्ट्स की, इंसेक्ट्स जैसे कि बटरफ्लाई। बटरफ्लाई कैसी होती है? बटरफ्लाई हमारा क्या करती है? फ्लावर्स से नेक्टर लेती है। क्या लेती है? फ्लावर्स से नेक्टर सक करती है। इसीलिए जो उनकी वीक होती है या इंसेक्ट्स का जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप होता है, चीजों को सक करने वाला होता है। इसीलिए इसमें क्या प्रेजेंट है? इनका जो माउथ है वो कैसा है? सकिंग टाइप है, ताकि वो नेक्टर को सक कर सके। और उस तरह के माउथ को बोला जाता है प्रोबोसिस। उस तरह के माउथ को क्या बोला जाता है? प्रोबोसिस बोला जाता है। सकिंग टाइप जो माउथ होता है चीजों को सक, जैसे हम वाटर अगर हमें ड्रिंक करना है किसी ग्लास से, पाइप अगर हम लगा दें तो हम सक करते हैं, तो वो सकिंग टाइप जो हमारा माउथ प्रेजेंट होता है वो क्या कहलाता है? प्रोबोसिस कहलाता है। ऐसे ही अगर हम फ्रॉग का देखें, ये तो इंसेक्ट का था, अगर हम फ्रॉग का देखें तो फ्रॉग में क्या प्रेजेंट होती है? फ्रॉग में एक लॉन्ग टंग प्रेजेंट होती है। जैसे ही फ्रॉग अपने प्रे को देखता है वो अपनी टंग को बाहर निकालता है और उस प्रे को कैच करके, इंसेक्ट को कैच करके अपनी टंग को रोल करके वापस से माउथ में ले लेता है। तो वहां क्या प्रेजेंट है? उसके प्रे को कैच करने के लिए उसके पास एक लॉन्ग टंग प्रेजेंट है जिसको वो मॉडिफाई करता रहता है। जैसे ही उसको फूड रिक्वायरमेंट होगी वो उसको इजिली बाहर निकालता है और उसे ग्रैब कर लेता है। दिस इज ऑल अबाउट द फीडिंग मैकेनिज्म, फीडिंग हैबिटेट हम कह सकते हैं कि फीडिंग कोई भी एनिमल किस तरीके से कर रहा है, कोई प्लांट पर डिपेंड कर रहा है, कोई एनिमल पर डिपेंड कर रहा है, कोई दोनों पर डिपेंड करता है, कोई डेड बॉडी पर भी डिपेंड करता है, ये सब हमारा कहता है फीडिंग हैबिटेट।
हमने इतना एक टॉपिक कवर अप कर लिया। नेक्स्ट हमारा अब जाता है बॉडी कवरिंग। बॉडी कवरिंग क्या है? हर एक एनिमल की बॉडी पे अलग अलग टाइप की बॉडी कवरिंग मिलती है। जैसे आप लोगों ने फिशेज ड्रॉ की है, जब हम फिश ड्रॉ करते हैं तो उनकी बॉडी पे ना इस तरीके से स्केल ऐसे डिजाइन बनाते हैं, इस तरीके। ये जो डिजाइन है क्या कहलाते हैं? स्केल्स कहलाते हैं। दीज आर स्केल्स। फिश की बॉडी पर भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्नेक की बॉडी अगर आपने देखी हो तो उस पर भी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही लिजर्ड अगर आपने देखा हो तो लिजर्ड की बॉडी पर भी क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्केल्स कैसे प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं, एक तो हमारी अगर हम फिशेज के देखें, फिशेज के जो स्केल्स होते हैं वो वाटर प्रूफ होते हैं, वाटर के अंदर फिशेज इजिली सर्वाइव कर सके इसलिए उनकी बॉडी पर ये स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। स्नेक के या लिजर्ड की बॉडी पर अगर हम देखें तो स्नेक और लिजर्ड की बॉडी पे स्केल्स इसलिए प्रेजेंट होते हैं ताकि उनकी बॉडी से वाटर लॉस मिनिमम हो, कम से कम पानी उनकी बॉडी से बाहर निकले, क्योंकि जितना कम पानी उनकी बॉडी वाटर जितना कम लॉस होगा उतना ही उनका बेनिफिट होगा। ऐसे ही अगर हम पॉलर बियर्स वगैरह देखें तो पॉलर बियर जो होते हैं उनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है? उनकी बॉडी पे फर फर्स प्रेजेंट होता है। जैसे पॉलर बियर्स हो गए, हेयर से कवर्ड होती है समथिंग उनकी बॉडी, उनकी बॉडी कोल्ड क्लाइमेट में उन्हें कोल्ड से ठंड से प्रिवेंट करने के लिए किससे कवर्ड होती है? फर से कवर्ड होती है। लेकिन अगर हम कैमल देखें तो कैमल की बॉडी पे कैसे होता है? कैमल्स की बॉडी पे बहुत कम हेयर्स होते हैं। बहुत कम हेयर्स किस लिए होते हैं? ताकि उन्हें थोड़ा मतलब उन्हें वार्म्थ नहीं चाहिए, उन्हें तो कोल्ड चाहिए। जब वार्म्थ चाहिए तो फर प्रेजेंट होंगे, जब वार्म्थ नहीं चाहिए तब उन्हें क्या प्रेजेंट होते हैं? लेस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, कम हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर हम एक डायग्राम अगर हम देखें, ये देखो बुक में स्केल्स का डायग्राम है, फिशेस की बॉडी पे स्केल्स दिखाई हुई है, स्नेक्स की बॉडी पे और लिजर्ड की बॉडी पे भी अगर आप कभी ध्यान से देखो तो क्या प्रेजेंट होते हैं? छोटे छोटे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो कैमल की बॉडी पे बहुत लेस हेयर्स होते हैं, पॉलर बियर की बॉडी पे बहुत ज्यादा फर प्रेजेंट होते हैं। किस लिए होते हैं? ताकि पॉलर बियर्स क्या कर सके? इजिली वहां पर सर्वाइव कर सके, कैमल्स भी अपने हैबिटेट में सर्वाइव कर सके, इसीलिए उनकी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं? लेस हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे जो वो होते हैं एक तरह से अगर हम बोले, अगर हम देखें टॉर्टोइज, टर्टल, स्नेल्स, ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनकी बॉडी पे टफ कवरिंग मिलती है। कभी किसी स्नेल को देखना, जैसे ही उसके आसपास कोई डेंजर अगर आता है तो वो सडनली अपने पैर अंदर पुल कर लेती है और एक छोटी सी कवरिंग में कवर हो जाती है, अपनी शेल में कवर्ड हो जाती है। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो कि किससे कवर्ड होते हैं? जो शेल से कवर्ड होते हैं। टॉर्टोइस, टर्टल अपनी शेल में चले जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल डेंजर से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए, बाहर के एनवायरमेंट से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? उनकी बॉडी पर शेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे टॉर्टोइस, टर्टल और स्नेक्स। ऐसे ही बर्ड्स के पास क्या प्रेजेंट होते हैं? बर्ड्स के पास प्रेजेंट होते हैं फेदर्स। फेदर्स एक तो उन्हें फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, सेकेंडली उन्हें वार्म्थ भी प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारी बर्ड्स ऐसे होती हैं जिनकी बॉडी पर फेदर्स प्रेजेंट ही इसलिए होते हैं ताकि उन्हें क्या मिल सके? उन्हें वार्म्थ मिल सके। अलग अलग टाइप की बॉडी कवरिंग हो गई, स्केल्स हो गए, शेल हो गई और फेदर, हेयर्स, मतलब ये चार टाइप की अलग अलग टाइप की अलग अलग एनिमल्स में उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग क्या प्रेजेंट होते हैं? उनकी बॉडी कवरिंग प्रेजेंट होती है। लास्ट हमारा क्या बचता है? स्पेशल फीचर्स का। कुछ एनिमल्स में स्पेशल फीचर्स होते हैं। स्पेशल फीचर्स मतलब जैसे बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अपने प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर मूव कर जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन कैसे मतलब देखें, माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस फॉर देयर सर्वाइवल। जैसे ही जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, साइबेरियन ग्रे एक बर्ड है जो कि सिबेरिया से आती है, वो क्या करती है? जैसे ही विंटर्स स्टार्ट होते हैं तो विंटर्स से वो इंडिया में आ जाती है, एंड देन जैसे ही समर स्टार्ट होता है वो वापस चली जाती है। मतलब अपने सराउंडिंग को अच्छा बनाने के लिए, एक ऐसा एनवायरमेंट लेने के लिए जहाँ पर वो सर्वाइव कर सके, कुछ जो एनिमल्स होते हैं जैसे बर्ड्स वगैरह जो होती हैं वो क्या कर जाती हैं? माइग्रेट कर जाती हैं। माइग्रेट मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर हैबिटेट।
एक पर्टिकुलर हैबिटेट के लिए, उनके जैसे एनवायरमेंट के लिए क्या करती हैं, बर्ड्स हमारी मूव कर जाती हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चली जाती हैं। ऐसे ईल भी है, ईल भी अपने प्लेस को छोड़ के दूसरी जगह चली जाती है। ऐसी हमारी बहुत सारी बर्ड्स हैं, लोकस्ट एक इंसेक्ट है जो कि माइग्रेट करता है। दैट मीन्स कि बहुत सारे एनिमल्स में ऐसी कैपेबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो अपने एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। ये तो हुई एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने वाली बात। कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो हाइबरनेट कर जाते हैं, हाइबरनेशन करते हैं। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? हाइबरनेशन का मतलब है कि लॉन्ग पीरियड के लिए अपने ही एरिया में, अपने ही किसी सराउंडिंग में ऐसे जगह जाकर छिप जाना ताकि उन्हें किसी भी चीज़ का कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जैसे पॉलर बियर्स यूजुअली ये काम करते हैं। पॉलर बियर क्या करते हैं, जैसे ही उनका सराउंडिंग ऐसी जाती है कि अब उनके लिए कैपेबल नहीं है वहाँ सर्वाइव करना, ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो क्या करते हैं, हाइबरनेट हो जाते हैं, लंबे टाइम के लिए एक स्लीपिंग पीरियड में चले जाते हैं। हाइबरनेशन इज द एक तरह से गोइंग ऑन अ लॉन्ग स्लीप, एक लंबी स्लीप में चले जाना क्या कहलाता है, हाइबरनेशन कहलाता है। पॉलर बियर्स हमारा ये स्पेशली इसमें फीचर्स होते हैं। लास्ट वन इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या है? एस्टिवेशन होता है जब समर एस्केप के लिए, स्पेशली एस्टिवेशन इज़ द समर एस्केप, समर से बचने के लिए जब एनिमल्स कहीं छुप जाते हैं, डेजर्ट एरिया में मोस्टली देखा जाता है, डेजर्ट जो एनिमल्स होते हैं वो समर से बचने के लिए ही कहीं छुप जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा हीट, उन्हें उनकी बॉडी को इफेक्ट ना करे। तो ये हमारे कुछ स्पेशल फीचर्स थे, एक तो माइग्रेशन, एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करना, हाइबरनेशन लॉन्ग टाइम के लिए अपने प्लेस पर स्लीप, अंडर द कहीं छिप जाना जाकर, और एस्टिवेशन इज द समर एस्केप, समर से बचने के लिए कहीं से निकल जाना, कहीं छिप जाना। ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया आज कंप्लीट। हमने कल के सेशन में क्या क्या पढ़ा था, मूवमेंट पढ़ लिया था, हमने ब्रीदिंग पढ़ लिया था, आज हमने फीडिंग मैकेनिज्म, फीडिंग हैबिटेट पढ़ लिया सॉरी, और हमने बॉडी स्केल्स और कुछ स्पेशल फीचर्स। दिस इज ऑल अबाउट द एनिमल लाइफ, एनिमल लाइफ कैसे रन होती है, कैसे कैसे चलती है, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ रीड योर चैप्टर केयरफुली एंड कलेक्ट योर डाउट्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। प्लीज फोकस ऑन योर नोटबुक। थैंक यू सो मच।